हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुदीप पांडे आपके साथ एक नए अपडेट के साथ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड बहुत सारे लोग इस बार नया एडमिशन लिए हैं डीएलएड में। तो डीएलएड का सिलेबस क्या है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना और बताना चाह रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर्स के हैं, ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, नवीन पाठ्यक्रम डीएलएड फर्स्ट फर्स्ट सेम का है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, नवीन पाठ्यक्रम है ना डीएलएड बीटीसी, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का, इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये बहुत कठिन हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि साइंस साइड से हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम से हैं। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है ये, क्योंकि आपने ना इससे पहले कभी पढ़ा होता है ना इसके बारे में आपको जानकारी होती है। तो इसे बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बैक भी ज़्यादा इसी में लग जाती है बच्चों का, जिससे कि बहुत गलत बात है बैक ना लगने पाए। इसके लिए इस चीज़ को तो खास अध्ययन में रखिएगा। जैसे इसमें बाल विकास है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, ये सारी चीजें हैं, अधिगम है, सीखना, अर्थ, सिद्धांत उसके क्या है, फिर आ जाता है उसके बारे में। उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दूसरा पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हाँ, जिसमें क्या क्या शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य है, संप्रेषण है, सिद्धांत है, बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जिनका मैं अभी दिखाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। ये बुक भी सजेस्ट कर रहे हैं विज्ञान का कक्षा शिक्षण, जैसे डॉक्टर हरिशंकर वर्मा, डायट सुल्तानपुर के, फुलचंद डायट लखनऊ के हैं, इनकी बुक आप प्रीफर पढ़ सकते हैं। विज्ञान का, जैसे विज्ञान तो 25 नंबर का आता है, और जो मैंने पहले ये दोनों दिखाए, ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और क्या बोलते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये जो है 50-50 नंबर के होते हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विज्ञान विज्ञान तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे भी, लेकिन उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एक भी बार आप आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। गणित, गणित में क्या क्या है ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। उसके आगे है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। संस्कृत, संस्कृत में क्या क्या है देख लीजिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर। टोटल आठ आठ सब्जेक्ट हैं, आठ पेपर होने हैं आप लोगों के। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे आप पढ़ाई कर सकें और तैयारी भी कर सकें। तो इतना ही था, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।